या तो इसकी किसी ने खोली है या इसने खुद ने खोली है। क्या रखा था ये? ये देखें हमारे सैटेलाइट का अंडा, ये रहा ईगल का। दोस्तों हो गया है सौदा, ईगल भाई ने मंगवा लिया, उनको ये पसंद आ गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज जो है यार खाना हमने नहीं डाला इनको, किसी को भी मैंने अभी तक, तो बाबा जो हैं वो उठ गए थे, उन्होंने खाना डाल दिया इनको। देखें रोटी वगैरह पानी में भिगो के मैंने वहाँ रख दी थी, तो बाबा ने इन सारों को खोल के खिला दिया। अब सिर्फ रहते हैं ये, ये और ये, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मैं। क्या हुआ इसका, क्या हुआ? दोस्तों हमजा आया है और आज छुट्टी थी हमजा की, तो ये भी घर पर ही था। तो ये जो है अभी इसको लेके गया था हमारा जो शिकरा है, शिकरा था यार, मैं इसका नाम भूल गया, मेरे दिमाग से नाम ही निकल गया दोस्तों, बिल्कुल ही नाम निकल गया। तो खैर इसको दिखाने गया था हमजा सेल करने, क्योंकि कोई भाई ने एक हमारे पास व्हाट्सअप के थ्रू ताल्लुक हुआ था उनसे कॉन्टेक्ट, तो उन्होंने बोला यार हमें लेना है, तो वो इसको देखने आए थे। पर क्या बात बनी क्या नहीं, वो हमजा चेक कर रहा है, बाकी नीचे भाई खड़े हुए गली के अंदर सामने। तो खैर उस बात को मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, अभी ये चीज़ बताऊँ कि फ़िलहाल इनको तो खाना डाल दिया सबको यार, मैं इनको इनको और इनको सारों को दाना पानी डाल दूँ पहले जल्दी से। A few moments later. तो दोस्तों मैं इनको दाना पानी कर रहा था, और मैंने आप लोगों को कल बोला था कि हमारे जो सैटेलाइट है वो अंडा देने वाले हैं, तो बस समझ जाओ दोस्तों उन्होंने फाइनली अंडा दे दिया। वो देखें वो पड़ा हुआ इधर से देखा, ये देखें हमारे सैटेलाइट का अंडा ये रहा, और माशाल्लाह से मादा फुल लग रही थी कि जल्द अंडा दे देगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अंडा दे दिया, एक तो दे दिया है, और ये मेरे हिसाब से दोस्तों इसने कल में ही दिया है, क्योंकि शाम तक जब मैं आया था तो कुछ भी नहीं था, तो इसने शाम के दौरान में ही जब बंद करके गए होंगे तो उसके बीच बीच में दे दिया होगा अंडा। तो आज इसको एक दिन हो जाएगा, तो अब ये एक अंडा शायद आज रात को दे, या फिर कल दे सुबह या कल शाम, ऐसे एक और अंडा इंशाल्लाह दे देगी। लेकिन यार खुशी हो रही है, चलो ये भी मम्मा पापा बन जाएंगे जल्द। क्या खाने हैं सेट हो आप दोस्तों? हमारे जो ये चूजे हैं दो, उनमें से एक तो बिल्कुल सेट हो गया, ये वाला ये देखें बिल्कुल सेट हो गए, आपको लग रहे होंगे बिल्कुल सेट है, और वाला जो है, अरे अरे तुम तो उतर जाओ मेरे भाई, ये ने दोस्तों ये आ गए, ये भी काफ़ी चलने लग गया है, काफ़ी सेट हो गया है, देखें खड़ा हो रहा अपनी टांगों पे अब सेटिंग से, और चलते हुए जा रहा है, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी सेट हो गया है पहले से। तो चलो यार इस बात की खुशी है कि सेट है और तंदुरुस्त हो गया है पहले से, लेकिन उनके साथ नहीं रख सकता, उनके साथ रखूँगा तो ये फिर वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वो चढ़ चढ़ के इसके पैरों पर पूरी जान निकाल देंगे जो रही सही भी है, तो इस वजह से अभी इसको कुछ दिनों तक और इसी में रखना पड़ेगा। इनको सोच रहा हूँ मैं नन्हे मियाँ को शिफ्ट कर दूँ, चलो आ जाऊँ, लेकिन नहीं यार तुम्हें शिफ्ट कर दिया तो फिर वो अकेला रह गया, तुम यहाँ ही रहो, चलो अंदर पप। ये लो आप सारों का पानी आ गया, अटो 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 जगह दो, चलो भाई अंदर जाओ, बाहर आ जाते हो फ्री हो गए फौरन, चलो को देखें ऐसे घूम रहा है इसे, चलो पानी पियो जाएगा, चलो चलो सारे पानी पियो अंदर, एक को खोलो सारे बाहर आ जाएंगे पानी पीने के लिए, सिर्फ पानी रखता हूँ मैं। और ये देखें चीले आना नीचे शुरू हो जाती हैं, देखें ये रही है, ये जा रही है, सिर्फ मैंने इनको दोस्तों ज़रा सी बदतियाती करके सिर्फ खुलना छोड़ना है, और ये ऐसे आएंगे और मेरे हाथों से ऐसे लेते हुए चले जाएंगे, क्योंकि इतने सारे मैं किस किस को संभालूंगा, किस किस को पकड़ूंगा, तो इस वजह से मैंने इनको बंद रखना थोड़ा सा केयरफुली शुरू करा हुआ है अब, क्योंकि मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ चीले बहुत ज़्यादा मेरे इस तरफ मनगराती रहती हैं, हर वक्त घूमती रहती हैं। भाई दोस्तों ये देखें इसकी हरकत है, इधर आओ बेटा, आ गया इधर आ जा, नहीं चौकन्ना नहीं दोस्तों, इसने फिर पट्टी खोल दी अपनी, देखा आपने, या तो इसकी किसी ने खोली है या इसने खुद ने खोली है। क्या रखा था ये? इतनी मेहनत से मैंने पट्टी करी थी इसकी कि चलो एक से दो दिन होगा, अब इसकी पट्टी अगर दोस्तों खुद खोलता तो ये कहीं ना कहीं पड़ी हुई होती, पर कहीं भी नहीं पड़ी हुई, ये देखें पूरा पिंजरा खाली पड़ा, मतलब कि इसकी पट्टी किसी ने खोली है, हो सकता है हमदा ने खोली हो या बाबा ने भी खोल दी हो, कुछ पता नहीं है, लेकिन इसकी पट्टी खोल दी है किसी ने। वैसे पैर सेट है तुम्हारा? मिट्टी में छोड़ते हैं इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, मुझे लग रहा है पट्टी खुल गई होगी तभी उन्होंने खोल के किसी ने ना हटा दिया, मैं पूछता हूँ हमदा से खोली किसने, चलो जाओ चल के दिखाओ। वैसे दोस्तों चल तो सही रहा है, मतलब फ़ायदा तो हुआ है इसको उस पट्टी के बांधने का, काफ़ी सेटिंग से चल रहा है, बस थोड़ा उछल कूद करते हैं ना उसमें इनके दर्द वापसी से पेन जो होता है जगह पे एक जख्म तो स्टार्ट हो जाता है,
बाकी इसको मिट्टी में ये फायदा हो गया है कि मिट्टी जो हमने डाली है उससे इसको काफी सुकून मिलता होगा। भाई इसका नाम भी मुझे याद आ गया, ईगल। शिकरा हमारा वाला था, ये ईगल है। तो यार दिमाग से बिल्कुल ही निकल जाता है क्योंकि इतने सारे हैं ना माशाल्लाह से, तो इंसान के दिमाग से बिल्कुल ही नाम निकल जाता है। बाकी ईगल ने बहुत गंदगी मचाई है, सारा पानी गिराया हुआ अंदर, इसलिए मैं इसको अंदर पानी नहीं डालता हूँ। ये बाबा आए होंगे, उन्होंने पानी अंदर डाल दिया होगा, मुझे इसी वजह से वो होती है, पूरा पिंजरा गीला कर देते हैं अपना। बाकी दोस्तों इनको जो लेने आया हुआ था वो भाई नीचे खड़ा हुआ है और भाई की अभी भी बात चल रही है। एक हमने उसको ईगल दिखाया है और एक जो हमारा रेड वाला बच्चा है ये दिखाया था, तो उसने बोला यार मुझे लेना तो है, पट्टा ही लेना है। तो हमने दोनों दिखा दिए कि भाई जो आपको सही लग रहा है वो आप देख लें, जो लेना है वो देख लें। वैसे हम मतलब सेल पर चीज़ भी करते रहते हैं तो इस वजह से ये दो हमने रख दिए थे उसके सामने। बाकी देखें उससे बात चल रही है, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। तुम लोगों ने बेटा पूरे अंडे ख़राब कर दिए है ना, बिल्कुल सारा का सारा मामला ख़राब कर दिया इन दोनों ने। बड़ा दुख हुआ है यार इनके अंडों का, मुझे ऐसा शदीद दुख हो रहा है कि पहले देने वाले अंडे भी है और ख़राब करने वाले भी ये ही। भाई मुर्गा मंगवा लिया है, पूछूं इससे कौन सा मंगवा है ना, कौन सा ईगल का। दोस्तों हो गया है सौदा, ईगल भाई ने मंगवा लिया, उनको ये पसंद आ गया है। बाय बाय ईगल। ईगल जा रहे हैं भाई, ईगल सेल हो गए तो चल के इन्हें नीचे देते हैं उनके हाथों में। और ईगल का सफ़र हमारे साथ इतना ही था। जा भाई, आ जाओ ईगल। बाय बाय ईगल। ईगल जा रहे हैं हमारे घर से, ठीक है भाई, लास्ट राइड ईगल, अल्लाह हाफिज। दे दें भाई के हाथ में, भाई गया हमारा ईगल भी दोस्तों, ठीक गया गया घर से, लास्ट राइड थी उसकी जाते हुए। बस चले भाई दोस्तों, ईगल भी अपने घर चला गया, दूसरे जहाज जा रहा है। मे भी जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ ना, कोई सब्जी वाला कोई जहाज ये सब आ जाता है। खैर अब तो दोस्तों हमारा ईगल भी चला गया और आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार हर चीज़ ये बेचे ही जा रहे हैं, रखेंगे क्या। तो दोस्तों सब्र करो, रुको ज़रा सब्र करो, हल्के हल्के करके हम चीज़ें लाएंगे इंशाल्लाह। लाओ भाई ईगल, तुम्हारी जो यादें हैं वो अब यहाँ ही रह गई। वैसे ईगल इसके अंदर ही पूरे का पूरा आ जाता था और बस यार चले जाते हैं। दोस्तों ख़रीदना आसान होता है, उनको बेचते बड़ी तकलीफ होती है, क्यों जाना, क्योंकि एक चीज़ के साथ बन जाना, चलो एक दो दिनों ही हो आए हुए बेच दो कोई इतना मसला नहीं होता, पर एक हफ्ता दो हफ्ते तीन हफ्ते गुजर गए तो एक आदत सी पड़ जाती है। यार इनका दाना भी ख़त्म हो गया बिल्कुल, ये देखें बस ये बचा है और ये बिल्कुल ही एंड पे, बाजरा तो बचा ही नहीं है। तो इनका ये भी लेकर आना है दोस्तों, अभी जो था मैंने कर दिया जैसे तैसे, रोटी वगैरह पानी में भिगो के इनको अच्छी खासी यहाँ पे दे दी थी। और अब जो इनका दाना भी लाना है मैंने, तो काफ़ी टाइम भी हो रहा है क्योंकि शाम में इनको कुछ नहीं दे पाऊँगा अभी, तो फिर भी दोपहर का टाइम है, शाम में इनको लाजमी खिला के बंद करना है, तो मैं फ़ौरन दाना लेने जाऊँगा अभी। और इसको भाई अब कर देते हैं दोस्तों बंद, क्योंकि अब ये जब ही खुलेगा, जब हमारे सेटअप पर कोई नई और बड़ी चीज़ आएगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा खाना है अंदर, इधर आराम से कोई भी बड़ी चीज़ हम रख सकते हैं, क्योंकि खाने का खुद साइज़ देख रहे हो दोस्तों, अच्छा खासा बड़ा है। मैंने तो भाई को बोला था नीचे जो हीरा है ना उसका प्यार हम इसके अंदर डाल देते हैं, ईज़िली आराम से रहेगा, बहुत सुकून से। पर उन्होंने बोला नहीं यार उनके लिए दूसरा ही पिंजरा करेंगे इंशाल्लाह जल्द। तो दोस्तों बस इस वजह से रुके हुए थे हम थोड़ा सा, तो आगे बहुत सी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह, तो साथ रहिए। बाकी दोस्तों इनका दाना लेने जा रहा हूँ यार मैं, क्योंकि काफ़ी देर हो रही है, इनके लिए शाम को भी फिर ला के रखना है, तो उसकी वजह से। तो खैर दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।